So, Om Shanti. Om Shanti. Sabhi bolo Om Shanti. Achha, main maa kiski karu? Kiski main maa kare? Sonal kiski main maa kare? Baba ki? संगम युग की और हमारे बाबा ने जो यज्ञ रचा है इतना बड़ा यज्ञ तो यज्ञ की महिमा भी कितनी करें जिसमें यज्ञ सेवा करने का आप सब ओम शांति बनने क्यों बैठे हो कौन बैठे हैं सेवादारी आप सबकी महिमा भगवान की महिमा आपकी गाता है मैं तो ज्यादा गाती हूं इसलिए फीलिंग ग्रेट शशि बहन भारत में चाहे विदेश में कभी ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ है बड़े थिएटर में By Likhawa theater ke bair, feeling great. What happens? Kuch bhi ho jaye. What happens? Kuch bhi ho jaye. Feeling great. Ek din pehle mujhe, maine kaha hal dekho to sahi kaisa hai. To bhi kahenge, tum kal tum aane wali ho, feeling great. Achha. Sab shikil dekh karke. तो सबसे नशा आप लोगों को मेरे लिए होना चाहिए जिसने ये बनाया ये शेयर करने के लिए बैठी हूं दूसरा प्रोग्राम रखा हैप्पीनेस हैप्पीनेस यहां ऊपर हैप्पीनेस हैप्पीनेस किसके पास होगी जिसको न वरी है न फियर है न डिजायर है क्या समझे कान खोल के सांभरो जिसको कोई वरी नहीं है कोई फियर नहीं है कोई डिजायर नहीं है कोई इच्छा नहीं है तभी ऐसे स्टेज पर बाबा ने लाया वो सतगुरुवार का दिन था अमृत वेला बड़ा फर्स्ट क्लास हुआ पर संकल्प आया जितने भी लंदन में बाबा के भवन है सब में जाएंगी क्यों मिस किया है अगली बारी नहीं गई हूं सब भवनों में बाबा है टेंशन और दो कमरों से शुरू हुआ था 40 पाउंड किराए से जहां से डिनिस पैदा हुई है अभी तो क्या कहां से कहां बाबा ने पहुंचाया है तो हैप्पीनेस के प्रोग्राम में डिटेल नहीं बताती हूं एक घंटा बदे बुजुर्ग इंग्लिश लोग बैठे थे ढेर समझ गए जहां वरी नहीं है फियर नहीं है डिजायर नहीं है एवर हैप्पी है हो सकता है ना हाथ उठाओ एवर हैप्पी जो किसी का परचिंतन नहीं करता है पराई बात नहीं करता है कल की बात इसमें भला और मुझे बड़ी खुशी है मैंने कहा मेरे से कोई पूछता ही नहीं है ऐसी फीलिंग मेरी कैसे बनी है कोई पूछने वाले को फुर्सत नहीं है सब बिजी है शिवा में तो सभा में बता देती हूं डॉक्टर प्रताप बिजी सब फलाना बिजी टीरा बिजी सब बिजी मैं तो कुछ काम करती नहीं हूं फ्री हूं सदा फ्री केयरलेस नहीं केयर फ्री
और सबकी केयर जरूर करना है. जो किसकी केयर नहीं करता है, ये बातें शेयर नहीं करता है, वो किसी को इंस्पायर नहीं कर सकता है. सबका केयर करो, चलते फिरते कैसे कुछ चाहिए. आगे विदेश में होते ये कई बातें सीखने को मिली है. कैन आई हेल्प यू? पर ये पूछे भी क्यों? चलते फिरते सहयोगी रहना योगी का काम है. सेवाओं में शशि बहन तभी देखा है मेरे को, आदि से कराची से किसने नहीं देखा है. कभी रात को किसी ने जगाया नहीं होगा, आप ही जाके पेशेंट के पास चली पहुंची, आप ही चली जाती थी जा करके. कुछ चाहे समझो, रात को 11 बजे तक भी बैठ के चंद्रिका आई है. कहाँ है चंद्रिका? आई है. गीता बहन आई है भाई. ऐसी बहन है कोई पांच 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 छह छह आठ आठ को मालिश करती थी रात को. बाबा इतना बादाम लोग लेके बच्चों की मालिश करो, किसको टांग में दर्द है, किसको ये सेवाधारी बड़ा सुख पाया है, जिस कारण कभी भी दुख होता नहीं. कभी दुख हुआ है मुझे को? अब बताया कभी मुझे दुख हुआ है? मेरा धर्म नहीं. दुख देना, दुख लेना, देने वाले तो टेस्ट लेंगे जरूर. मान तो शायद मान बड़ी मुश्किल से मिलता है, अपमान तो चलते फिरते होता है. चलते फिरते अपमान होगा. बाबा ने कहा है, प्रैक्टिकल दादी को देखा है, स्वमान में रहना, भले कितना भी कोई अपमान करे, दोष नहीं है उसका. मैं तो बाबा की हूं, सीख रही हूं सच्चाई और निम्रता से. चलो मेरी गलती ठीक है. जिद करना, सिद्ध करना किसका काम है? एक जिद करे फिर सिद्ध करे, वो कौन है? समझ जाओ फीलिंग क्या होंगी. तो तीन पार्ट दिया था, 15 मिनट एक, 15 मिनट दूसरा, 15 मिनट तीसरा, बीच बीच में साइलेंस. और जयंती भी एक्सपर्ट है बोलने में, उसको ईश्वरी देन है. मैं तो वैसे पढ़ी लिखी नहीं, उन जैसी नहीं हूं, लेकिन वायुमंडल में इतना प्यार, इतना लोगों में जागृति. मनुष्य के पहले विचार कैसे होते हैं? वो स्लाइस शो भी दिखाया बहुत, फास्ट 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 फास्ट, ट्रेनों में चढ़ना, बसों में चढ़ना, इधर करना, उधर लड़ना, उधर ये करना, सारा दिन रात. क्या मनुष्यों की लाइफ? खाते क्या है, पीते क्या है, चलते कैसे है? उसको लिए तरस पड़ता है हमको. भगवान ने छुरा लिया ऐसा खाना पहनना, पैसे के लिए हैरान होना, कॉफी का कप पियेंगे तो भी पैसा चाहिए, और शराब पिए तो पैसा चाहिए.
पैसे के बगैर काम चल नहीं सकते हैं, बड़ा बड़ा थैला उठाना पड़ता है, हमको कुछ नहीं चाहिए। पर वो पीछे कहा, ऐसी जो दुनिया की लाइफ है, झूठ और हिंसा को खत्म करने के लिए सच्चाई और अहिंसा, तो हम अपने फीलिंग को देखें। परमात्मा बाप ने कोई जो देवताएं भी नहीं कर सकते हैं, साधु महात्मा नहीं कर सकते हैं, वो परमात्मा बाप ने मात पिता शिक्षक सखा सतगुरु के रूप में क्या से क्या बनाया है। सारी मनुष्यों को जो दुख चिंताओं की फीलिंग्स है उनसे मुक्त कर दिया। कभी भी प्यार से ऐसे देखने का किसको फुर्सत नहीं है। मतलब का काम पड़ेगा तो थोड़ा प्यार करेंगे। यहां बाबा ने तो समझो ये सब बाहर की दुनिया है, देख लो एक सेकंड में तो बाबा भी दिया है, रास्ते का पता चला है, अपनी जो अंदर का विचारधारा है। आए इस दुनिया में ऐसे रहने से मुझे फ्री होना है, दुख शांति को खत्म करना है, तो भगवान सुनता है, जानता है, गरीब है या शाहूकार है, परा हुआ है अनपरा है, बच्चा है या बूढ़ा है, वो नहीं देखता, उसके द्वारे पर सिर आ जाए। तो जब द्वारे पर आते हैं तो सारी फीलिंग मैं आत्मा हूं परमात्मा की हूं। चलो अभी संगम, अभी टाइम कलयुग की अंत है। जो आज बाबा ने कहा, किसने नहीं बताया ये हमारा घर यहां है परमधाम में। अभी हमको भगवान ने बताया तुम्हारा घर है, जिस घर से आए उस घर में जाना है, इसलिए पावन बनना है, फीलिंग सारी घर जाना है। राखी चल रही है ना, ऐसे फिर राखी बांध रहे हैं, तो अंदर से हम आपको सबको कहती हूं, अंदर फीलिंग जो है ना बड़ी प्योर रखो, मैर करो अपने ऊपर। बाबा ने हमारे ऊपर रहम कृपा दया खिमिया, दया भी की है, कृपा भी की है, रहम भी की है, खिमिया भी की है। जो तुमने किया ना, बाप खिमिया करता है। अगर हम कर्मों को सुधारें, संकल्प को, वाणी पर ध्यान रखें, जो एक वरदान में आया था मुझे बहुत अच्छा लगा, किसके बदलने का इंतजार मत करो, तुम बदलो, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं समझ 50 बारी कम से कम मन में सिमरन किया होगा, किसके बदलने का इंतजार मत, मैं करती रही हूं थोड़ा, प्यार में सब ये बदल जाए तो अच्छा है, बदल जाए तो अच्छा है। अभी वो दिन से ये भी इंतजार करने के बजाय ऐसा कुछ विधि हो जाए जो सभी आज के दिन बदल जाए, फीलिंग ग्रेट। गीता क्या समझती है, भाई कौन मेरा साथी बनेगा,
And then maybe European, कौन मेरा साथी है जो ऐसी फीलिंग में रह करके चलो सब ऐसे बड़ी अच्छी उस गरीब सभा को जो पांच मिनट छह मिनट साइलेंस मिलती थी सारी सभा बीच बीच में अगर हम बीच बीच में हम साइलेंस में अपने को टाइम देवे बुद्धि साइलेंस में जाकर के सुधरती है नहीं तो नहीं सुधरती है अपन को बदलना है मुझे कंटिन्यू लगातार धुन लगानी है जैसे मेरे बाबा कैसे हम बच्चों को देखा शिवा भाई की याद में कैसे रहता था सदा ही याद में बाबा यहां है ही नहीं बाबा के आगे जाओ अभी भी ये बाबा के आगे जाओ अनुभव करो सामने गए कोई बात नहीं बच्चा जो आपको बताया था जो मुझे एक फोटो मिला बाबा का बच्चे चिंता मत करो मैं बैठा हूं ये हमारे गोविंद भाई को अंत मत वही फोटो सामने था शरीर छोड़ने समय चिंता नहीं करो इतना विश्वास हो बाबा बैठा है ना मैं किसका फिक्र क्यों करूं यज्ञ का भी मुझे कोई फिक्र नहीं है पर प्यार बहुत है जिसे यज्ञ सिखाया है जिसने खिलाया है उसको रिटर्न देने के बिगर जीना किस काम का बाबा के यज्ञ का बाबा ने हमारे लिए यज्ञ रचा इतने हमारे बाबा के यज्ञ की सेवा करने वाले कितनी प्यार से सेवा करते हैं आज भंडारे में चक्कर लगाने गई शाम को इतनी जान चाहो सेवा कितनी करते हैं मिलकर एक भी नहीं करता मिलकर के करते हैं सो पांडव मिलकर के करते हैं बाबा ने बहनों को आगे रखा था पहले बहनों को सेवा में लगा करके भाइयों को आगे रखा बहनों ने तो पांडवों को कितना बहनों के लिए बहनों को भाइयों के लिए कहा ही जाएगा पांडव शिव शक्ति सेना पांडव शिव शक्ति सेना है हम सेना में आसुरी दुनिया में को नई दैवी दुनिया बनाने लिए बैठे हैं तो हमारे में कोई आसुरी गुरु अवगुरु होना खत्म न संकल्प में न वाणी में न कर्म में कोई नहीं मुझे ये ओम शांति भवन वो भाई याद आता है बाबा तुम्हें देखता रहूं बाबा तुम्हें देखता हूं तुम देखता रहो हमको देख करके उसको गीत गाने मजा आता था बाबा को देखो ना ये आंखें किस लिए है किसको देख रही हूं बाबा के बच्चों को देख रही हूं कितने अच्छे लगते हैं कितनी अच्छी फीलिंग आती है अगर एक को देखा ये अच्छा है मेरी आंखें बदलती रहेंगी फील बदलती रहेंगी तो पर्सनल मेरा हाल क्या होगा क्योंकि वृत्ति दृष्टि से मृत्यु वृत्ति से दृष्टि है दृष्टि से
And the Simirti, Baba ki Simirti hai, Yadu ki Simirti hai. To Virti bari achhi, Drishti achhi. Baba mujhe de khush. Hum aapko de khush. Dunya hum sabko de khush. Aur khushi jaisi khoraak nahi hai. Aur khushi puchna ho to kise puche? Kise puche? उरुशी तुम आएंगी उरुशी है ना ये हां ये बहन कैसे यहां पहुंची है हम सब बहन को लेके आओ साथ में आओ आओ देखो कैसे पहुंची है ये कहां से आई है हंसा लेके आओ साथ में तुम भी आओ हंसा मधुबन की फीलिंग सुनाओ प्लेन में बैठे बैठे मेरे को मिल गई सखी भाई फूल अच्छा हिंदी बोल सकती हो ना हाँ हाँ का नाम उर्वशी बहन है अंसा ने भी इसको प्यार दिया है ना और जैसे दादी जी ने बीच में बताया था कि दादी प्लेन में जा रही थी और वहां ही दादी को प्लेन में मिली एयरपोर्ट पर देखा बस आकर्षित हो गई और जहां दादी प्लेन में बैठी वहीं पहुंच गई और सारा टाइम दादी से मिलती रही फिर शिकागो में दादी गई तो शिकागो में भी दादी के साथ ही थी फिर दादी लंदन गई तो लंदन में भी दादी के पास आई ऑक्सफोर्ड में गई अभी मधुबन आई तो दादी के पीछे पीछे मधुबन भी आ गई तो पहले तो इनका हम स्वागत करेंगे हमारी इनका नाम उर्वशी है और जहां जाए वहां उसको उर्वशी मिले लंदन में गई वहां भी उर्वशी मिली यहां मधुबन में भी उर्वशी मिली तो कहती है उर्वशियां कितनी है यहां तीन 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 अभी हंसा और बताएगी पहले तुम बोलो फिर ये बोले उर्वशी को नशा है भाई ओम शांति जहां भी जाते हैं तो कदम कदम पर सेवा होती ही रहती है और जो बाबा कहता है कि लास्ट सो फास्ट फास्ट सो फर्स्ट ये एग्जांपल एक आपके सामने बैठा है क्योंकि हम जब अमेरिका में गए थे तो न्यूयॉर्क से शिकागो फ्लाइट पकड़नी थी और प्लेन में जब हम चढ़े तो ये बहन बैठी थी अकेली और मैं और दादी उसके पीछे बैठे थे और अचानक बहन ने बोला कि दादी मेरे बाजू में आके बैठेंगी तो हम तभी बहन को जानते नहीं थे लेकिन हमने बोला जरूर क्यों नहीं फिर ऐसे करके दादी की वाणी तो शुरू हो जाती है ज्ञान तो दादी ने बैठे ही एकदम तीर लगाया उसको राइट और आप सबको पता है कि दादी का खाना पीना चाय पानी सब गाड़ी में ही होता है प्लेन में ही होता है और फ्लाइट में हम नाश्ता लेके गए थे और दादी तो बातें करने लगी तो उसको पता भी नहीं चला कि इतना समय हो गया है और फिर हमने बोला दादी नाश्ता करो फिर दादी मेरे बाजू में आके बैठी और जो मैंने दादी के नाश्ता निकाला तो दादी ने तुरंत बोला इस बहन को दो तो इस बहन को प्यार से नाश्ता खिलाया और तब से उसको इतना अच्छा तीर लगा कि दादी के पीछे पीछे आई ऐसे व्यक्ति कभी नहीं देखा है जो एकदम जंप लगा के दादी के गोद में आ जाए तो इसने किया
बहुत स्वीट है और लंदन में भी आके तुरंत उसने कोर्स किया. लगन की बात देखनी है सो इस बहन से सीखो. कितनी लगन है जो बाबा का इतना ज्ञान मिला और तुरंत ही उसने दिल में लगा और आके तुरंत ही कोर्स शुरू किया और यहाँ तक पहुँच गए विद इन नो टाइम, शायद 2 मास के अंदर, राइट? अच्छा, दो शब्द अपन अभी परिवर्तन को सुना दो. एक्चुअली दादी कहती है कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ इसको सब कुछ चाहिए. कहती है कुछ नहीं उठाओ, कुछ नहीं उठाओ, लेकिन सब कुछ उठाओ. तो ये मेरा उसके साथ रह के ये देखा है कि जहाँ भी जाते हैं तो और कुछ नहीं लेने का है, पर्सनल चीज़ें कुछ नहीं लेने का, लेकिन टोली जरूर चाहिए, ब्लेसिंग्स जरूर चाहिए, लिटरेचर जरूर चाहिए. और आजकल राखी के दिन भी चल रहे हैं तो राखियाँ भी लेके ही चलना है. तो दादी घड़ी घड़ी बोलती है कि आप में क्या परिवर्तन आया, तो मैं ये कहूँगी कि लंदन जाके मैं लंदन में ये सुनाया कि मैं जब मधुबन में होती हूँ और लंदन आने का होता है तो इंतज़ार की बहुत लंबी घड़ी हो जाती है, लेकिन वहाँ से जब यहाँ आना था तो बहुत थोड़ा समय मिलता है, लेकिन उस थोड़े समय में मैंने बुद्धि का परिवर्तन देखा. जो हम बुद्धि में कोई न कोई डाली पकड़ के बैठते हैं तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और वो डाली को छोड़ते हमको ऐसे फील हुआ कि कितना हल्कापन आ गया. और जिस डाली को हम पकड़ के बैठे थे और कोई व्यक्ति है, कोई ऐसी बात चली है, तो हम बातों को पकड़ के बैठते हैं, तो उसके प्रति भी जैसे दृष्टि है, वृत्ति है, वो बदल जाती है. तो मैंने इस बार ये देखा कि वो डाली को छोड़ा है हमने, और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे. और दादी की हमेशा ब्लेसिंग आँख हमारे ऊपर ही है, तो अवश्य जैसे बाबा चाहते हैं, जैसे दादी चाहते हैं, एक दिन बन ही जाएंगे. ओम शांति. मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि मुझे कुछ नहीं फील हो रहा है, क्योंकि मन इतना भर जाता है कभी प्यार से कि दो लफ्ज़ नहीं निकल जाते जुबान से. जब मन इतना भर जाता है तो हम आँख बंद कर लेते हैं और दादी को देखते हैं. मैं ये ज़रूर बोलना चाह रही हूँ कि जब न्यूयॉर्क में हम अपनी गाड़ी से उतरे, बिल्कुल हमारे पीछे दादी उसी टाइम बाहर निकली गाड़ी से, और मुझे लगा कि मैं इनको जानती हूँ, हालांकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं इनको देखा था, ना इनके प्रोग्राम्स देखे थे. पर ऐसे मैग्नेटिक खींच थी उनकी आंखों में, मैं उनको देखती रही हूँ. और उन्होंने, दादी तो सबके ऊपर स्माइल करती हैं, तो उन्होंने भी स्माइल किया, और पर मेरा मन ने कहा कि दादी मेरे को स्माइल कर रही हैं. तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि देखो वो, मैं उनको जानती हूँ. बोलते हैं कि तुम तो सबको जानती हो, जो तुम्हें स्माइल करता है तुम कहती हो मैं उनको जानती हूँ. और बोलते ही मैं दादी की तरफ जा रही थी, फिर दादी अंदर चले गई, तो हमारे मन मायूस हो गया. मैंने सोचा कि मैं उनको ज़रूर, मेरा मन कह रहा है कि मैं उनसे ज़रूर बात करूँगी. और मैं दादी को नहीं मिली जब तक हम प्लेन के पास आ रहे थे, और दादी के आसपास तो हज़ार लोग रहते हैं. तो फिर मैंने दादी को देखा और वेव आउट किया, तो दादी ने भी मुझे देखा उस वक़्त. और पर इतने लोग थे, फिर मैंने, मेरा मायूस हो गया, मेरा दिल कहा कि मैं शायद नहीं इनसे बात
बात कर पाऊंगी. पर दिल नहीं माना. मुझे पता था कि मेरे दिल में कि मैं इनसे बात करूंगी, क्योंकि कुछ था पता नहीं किस जन्म का. जैसे दादू ने कहा कि मेरा कर्म था कि मैं दादी के पास बैठूं. और दादी जब अंदर प्लेन में आई मेरे पीछे, मैंने कहा कि आप हमारे पास बैठोगे, तो बोलने लगी हाँ हम तुम्हारे पास बैठेंगे. तो उस वक्त भी मुझे पता नहीं था कि दादी कौन थी, पर मुझे पता था अपने दिल में कि ये मेरे दिल की बात है, मैं इनसे बात करूंगी. और दादी तो कृष्ण है, सबको अपनी मुरली के साथ बांध लेती हैं. सब अपने मीठी मीठी बातों से प्यार, इतना प्यार हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा. आपको देखते ही दादी आपके मन खींच लेती हैं, एंड यही हमें महसूस हुआ. और जाते भी हम निकले तो दादी की गाड़ी हमारे गाड़ी के पीछे, पर हम जा नहीं पाए जब तक हमने दादी को फिर से एक दफा, दादी की पर्सनालिटी ऐसी है कि आप खींच, अपने आप खींच आते हो. जैसे इतना पावरफुल मैग्नेट है कि अपने आप ही आप पीछे पीछे उनके आ जाते हो. और फिर हम फिर से दादी को बाय बाय कहने गए कि नहीं नहीं आप जरूर आओ शिकागो के सेंटर में. और किसी ना किसी तरह हमने अपना काम निपटा दिया फटाफट. थोड़ा देर हो गई हमसे, आधा घंटा एक घंटा देर हो गया, फिर भी हमने कहा नहीं, हमने दादी को प्रॉमिस किया था हम जरूर जाएंगे. और ऐसे मौका हुआ कि दादी भी एक घंटा लेट हो गई थी उधर, वो दादा वासवानी को मिलने गई थी. ऑफ कोर्स वो तो आपने टीवी में देखा होगा कि दादी ने और दादा वासवानी को इतना खुश किया. और फिर से हम दादी की बातें सुनी फर्स्ट टाइम, एंड सेंटर भी देखा. फिर उसके बाद हमारे मन में बिल्कुल ये बात क्लियर हो गई कि हम ज़रूर ये कोर्स करेंगे. और फिर लंदन आके हमने जयंती बहन से मिलके ये कोर्स ज़रूर किया. और फिर अभी हम कोर्स ख़त्म किए हैं, इंडिया आए, दादी ने कहा नहीं आप मधु बनाओ, तो हम सीधा मधु बना गए हैं. ओम शांति. वेलकम. डेनिस भी मेरे साथ आ गई है. अच्छा, ओम शांति. एक मिनट साइलेंस से समझा फीलिंग अच्छी रखना, एकदम एक दो देख खुश होना बेटा.